तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए जो ये है BMI, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेट अपॉन हाइट। कम जाएगा, कम ऑक्सीजन मिलेगी, हार्ट कम काम करेगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये जो फैट है ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ब्लड को जाने ही नहीं देता। इस कंडीशन में पेशेंट को हार्ट अटैक आने की कंडीशन रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वाशा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बॉडी मास इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट में जानते हैं BMI के नाम से। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि BMI क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें BMI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बॉडी मास इंडेक्स। अब ये बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? इसमें हम क्या करते हैं, अपना वेट और हाइट को मेज़र करके हम ये पता करते हैं कि हमारी बॉडी हेल्दी है या नहीं है। ये कैसे पता करेंगे? जो BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, उसमें एक क्लासिफिकेशन दिया है WHO की तरफ से, जिसमें कि रेंज के अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं हमारी बॉडी हेल्दी है या नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले BMI होता क्या है। बॉडी मास इंडेक्स इज अ मेज़र दैट यूजेज योर हाइट, जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं, अपनी हाइट एंड वेट। इसमें हम अपनी हाइट और वेट को मेज़र करके हम ये पता कर सकते हैं योर वेट इज़ हेल्दी, आपका जो वेट है वो हेल्दी है या नहीं, आपकी बॉडी फिट है या नहीं। इससे पहले BMI को हम कैसे निकालते हैं, उससे पहले हम एक चीज़ समझते हैं कि एक तो इंसान होता है बहुत पतला, एक होता है इंसान बहुत मोटा, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, ऐसी क्या चीज़ होती है जिससे वो इतना मोटा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने निकालने के लिए क्या निकाला कि हमने 1 किलो का ही मास रखा, ठीक है। 1 किलो का ही हमने क्या करा, मसल्स का टुकड़ा लिया, 1 किलो का हमने फैट का टुकड़ा लिया, ठीक है। तो आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस कितना है, कि अगर हमारा 1 किलो का मसल्स है तो वो क्या होगा, छोटे से उसमें आ जाएगा, लेकिन अगर फैट का है तो वही सेम चीज़ क्या है, उसका आकार क्या है, बढ़ गया है। तो वही सेम हमारी बॉडी के साथ होता है ऐसा, कि अगर कोई पतला दुबला है, अगर उसमें मसल्स ज़्यादा हैं, तो वो क्या होगा, वो हेल्दी भी रहेगा और फिट भी रहेगा। लेकिन अगर उसमें फैट ज़्यादा है, फैट की मात्रा अगर ज़्यादा है, तो वो इंसान ओबेस भी दिखेगा, ठीक है, BMI इंडेक्स से बाहर भी आएगा, मतलब ओवरवेट भी होगा, पर हेल्दी नहीं होगा, फिट नहीं होगा। ऐसे ही मानिए कि एक पत्थर लिया हमने और एक तरफ ले ली हमने रुई, तो रुई अगर हम 1 किलो ले रहे हैं तो वो कितना बड़ा दिखता है, और अगर हम उसकी जगह 1 किलो पत्थर ले रहे हैं तो वो कितना सा दिखता है। तो वही सेम चीज़ है हमारी बॉडी के साथ भी, ठीक है। तो अब हम उसको जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए जो ये है BMI, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट अपॉन हाइट, ठीक है। वेट हमारा किस में आएगा, kg में, जो हमारा नॉर्मली kg में ही रहता है, 60 किलो, 65 किलो, 70 किलो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाइट हमें किस में लेनी है, मीटर में, और उसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। अब जो हमें हाइट लेनी है मीटर में, हमारी हाइट हमेशा किस में रहती है, अरे इसकी हाइट 4 फुट 2 इंच है, 5 फुट 8 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, इस टाइप से रहती है, मीटर्स में कभी नहीं आती। तो उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि हम क्या ले रहे हैं, एग्जांपल चलो किसी की हाइट है 5 फुट 8 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता करनी है कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं। तो हमने पता करा कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं, ठीक है, और 1 इंच में कितनी होती है, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 0.01 मीटर। ये हमारी वैल्यूज़ हैं। इससे ही हमें क्या निकालनी है कि हमें अपनी हाइट, ये जो फीट है, इसको हमें मीटर में चेंज करना है। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, तो जो हमारी 5 फुट 8 इंच है, ठीक है, इसको हमें टोटल 5 फुट 8 वाली जो है, इसको हमें टोटल ही किस में चेंज करना है, इंच में चेंज करना है। तो इंच में चेंज करने के लिए हम किससे, 12 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। जब हमने 5 फुट 8 इंच को 12 से मल्टीप्लाई करी तो ये टोटल किस में आ गया हमारा, इंच में, 69.6 हमारा किस में आ गया, इंच में। अब ये तो हो गया हमारा इंच, अब हमें इंच को भी किस में चेंज करना है, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारा, हमें पता है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो जो हमारा इंच में आया था उसको हमें किस से मल्टीप्लाई कर दी, 2.54 से। तो अब जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारा किस में आ गया, सेंटीमीटर में। लेकिन अभी भी हमें किस में चाहिए, अपनी जो वैल्यू है वो हमें किस में चाहिए, मीटर में, ठीक है।
तो मीटर में चेंज करने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 0.01 मीटर से। तो वही हमने सेम चीज़ की है, 0.01 मीटर से हमने उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, तो जो हमारी वैल्यू निकल के आई है वो क्या आई है, 1.76। ये हमारी किस में आई है, मीटर में। अब वो ये बोल रहा है मीटर का भी स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो हमने 1.76 को ही 1.76 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई मतलब स्क्वायर कर दिया, तो अब हमारी वैल्यू क्या आ गई, 3.09 आ गई। अब मान लीजिए अब हम आएंगे इस पूरे फॉर्मूला में, तो हमारा जो वेट है वो है मान लो 70 kg है किसी का भी वेट, और उसकी हाइट हमारी हमारी जो निकल के आई वो कितनी आई, 3.09। तो अब हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 22.6। तो ये किसकी वैल्यू आई, हमारी BMI की। अब जो नॉर्मल BMI है वो है हमारा 18.5 से लेके 24.9, ठीक है। अगर हमारी इस बीच के बीच में आ रही है तो वो नॉर्मल है। तो ये हमारी वैल्यू कैसी हो गई, नॉर्मल, मतलब जो इंसान है वो फिट है और हेल्दी है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम किसी का भी BMI निकाल सकते हैं इस तरीके से, तो अब हम आ जाते हैं कि मान लो किसी का BMI 18.5 से नीचे है। अभी हमने नॉर्मल रेंज क्या बताई थी कि 18.5 से अगर 24.9 तक, ये क्या है, हमारी नॉर्मल रेंज है। अगर 18.5 से नीचे है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, अंडरवेट की में। अगर अंडरवेट की कैटेगरी में वो आ रहा है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे कि भाई होती ही होती हैं, नहीं, हो सकती हैं उसकी, क्योंकि इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, उसको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है तो हमारे जो बैक्टीरिया है, ये हमारे जो बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, अगर जब हमारी इम्यूनिटी वीक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो अब हमारी इम्यूनिटी वीक है तो ये बैक्टीरिया कहाँ चल रहा है, हमारे शरीर के अंदर। पर लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर नहीं कर सकते, अगर मान लो कर भी गए तो हमारी जो WBC सेल्स होती हैं वो उनको किल कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो नॉर्मल है, ठीक है। हमारा नॉर्मल किस रेंज में है, 18.5 से लेके 24.9, ये क्या है, हमारी नॉर्मल रेंज। इसमें इंसान क्या है, हेल्दी भी और फिट भी है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी जो एनर्जी है वो हमेशा हाई रहेगी, कोई लंग डिजीज़, कोई रेस्पिरेटरी, कोई डाइजेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, ठीक है। और जो उसकी इम्यूनिटी भी है वो भी बढ़िया रहेगी, कोई भी बैक्टीरिया वायरस से वो लड़ सकता है, ठीक है। देखिए आप, ये बैक्टीरिया वायरस हमारे एनवायरनमेंट में है और इसकी बॉडी जो है वो सेफली है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया एंटर नहीं कर रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि अगर जो BMI है वो हमारा 25 से लेके 29.9 के बीच में आई, मान लो किसी जो इंसान है उसकी जो BMI है वो इतनी आई, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, ओवरवेट की कैटेगरी में। अगर वो ओवरवेट की कैटेगरी में आया है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सेम चीज़ वही BP बढ़ जाना, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, डायबिटीज़, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। अब लास्ट आ जाती है हमारी मतलब जो ओबेस की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ओबेस की कंडीशन में कब आएगा, जब वो BMI हमारा 30 से ओवर चला जाता है, तो वो हमारा किस कंडीशन में आ जाएगा, ओबेस की कंडीशन में। और जब ओबेस की कंडीशन में होता है तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, थीके? बहुत सारी आर्थराइटिस, मेंटल प्रॉब्लम्स, लंग्स डिसीज़, रेस्पिरेटरी डिसीज़, ठीक है, हार्ट डिसीज़, सबसे मोस्ट कॉमन होता है उसको हार्ट डिसीज़ होना। क्यों होता है भाई, देखिए ये हमारा हार्ट है, ठीक है, ये नॉर्मली पंप कर रहा है, अपना काम कर रहा है, लेकिन जब इंसान के शरीर में फैट की मात्रा ज़्यादा होगी, ओबेस कंडीशन में सबसे ज़्यादा क्या होता है, फैट की मात्रा होती है, ठीक है। तो फैट क्या होगा, ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स, जिसमें कि खून बह रहा है, ठीक है। एक इंसान में क्या होता है, ये पूरे में खून बह रहा है नॉर्मली, एक इंसान जिसमें ओबेस की कंडीशन है, जिसमें मोटापा है, उसमें क्या होता है, ये फैट आके इस पर चिपक जाता है, इसकी दीवारों पे, ठीक है। ये क्या कर रहा है, चारों तरफ फैट इसकी दीवारों पे क्या कर दिया है, चिपक गया। अब इससे ये क्या होगा, जो ब्लड जा रहा है वो पहली बात तो कम हो गया, कम जाएगा,
कम ऑक्सीजन मिलेगी, हार्ट कम काम करेगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि ये जो फैट है ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है, ब्लड को जाने ही नहीं देता। इस कंडीशन में पेशेंट को हार्ट अटैक आने की कंडीशन रहती है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई जिसका मोटापा है वो एक्सरसाइज करे, फिट रहे, हेल्दी खाना खाए, फास्ट फूड अवॉइड करे, ये सारे सजेशंस डॉक्टर्स उसको करते हैं जिससे कि उसको आगे कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आज ही सब अपना BMI निकालना सीखें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर करें, जिनको भी आपको लगता है कि हाँ भाई इन फ्रेंड्सों को आपको शेयर करना चाहिए, इनकी थोड़ी सी ओबेस की कंडीशन है या फिर जो फास्ट फूड खाता है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो से उसको नॉलेज ही मिलेगी, ठीक है। आप मेरी वीडियो को पूरा डिटेल से देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप कभी भी, ठीक है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।